हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अफेयर्स। करंट अफेयर की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है आज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट्स एनुअल रिपोर्ट टू अचीव अ कंसेंसस बेस्ड असेसमेंट ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। जिसको ये रिपोर्ट असेस करती है कि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें कितना स्टेज, कौन से स्टेज पर फूड इनसिक्योरिटी पहुँच चुकी है। तो ये रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है कि लगभग क्वार्टर ऑफ बिलियन पॉपुलेशन, मीन्स ऑलमोस्ट 258 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो एक्यूटली फूड इनसिक्योर है। और ये जो क्राइसिस देखा गया है वो लगभग 58 कंट्रीज़ में, जो कि इस साल की सबसे हाईएस्ट कंट्रीज़ है। जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं जीआरएफसी की, उसमें सबसे हाईएस्ट है। और इसमें 253 मिलियन पीपल है जो कि एक स्ट्रेस्ड जो होता है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में है, जो कि 41 कंट्रीज़ में है। तो लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योर है, और ये रिजाइड कर रही है सिर्फ 5 कंट्रीज़ में। और 5 कंट्रीज़ कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, अफगानिस्तान, नाइजीरिया एंड यमन। तो ये कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यमन जो है अरब कंट्रीज़ है। जो आप कॉन्फ्लिक्ट सुन रहे होंगे यमन का न्यूज़ में, वही यमन है। तो बाकी कंट्रीज़ के आपने सुन रखे होंगे नाम, ये सब अफ्रीकन ही, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, कॉन्गो, अफगानिस्तान का इशू तो काफ़ी दिन से चल रहा है, देन नाइजीरिया। इसकी रिपोर्ट के जो हाईलाइट्स हैं उसमें है कि जो ग्लोबल हंगर है वो हाई रहने वाला है। जो भी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्राइसिस डेवलप हुए हैं कंट्रीज़ में, उसकी वजह से जो ग्लोबल हंगर है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। जो अंडर नरिशमेंट की जो सिचुएशन है वो भी कोविड-19 जो पेंडेमिक पे थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। जो स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग है वो काफ़ी कम हो गई है। चाइल्ड और ओबेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग चाइल्ड जो है वो काफ़ी ओबेस हो रहे हैं, तो ज़्यादा खाना खा रहे हैं। द नंबर ऑफ़ पीपल अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट रिमेन सब्सटेंशियल। 3 मिलियन पीपल जो है वो अभी भी जो एक हेल्दी डाइट होती है, एक बैलेंस डाइट होती है, उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हेल्दी डाइट की जो कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ रही है, ग्लोबली भी बढ़ रही है और एज इंडिया में भी बढ़ रही है। तो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो अर्बन एरियाज़ में कंपैरेटिवली टू रूरल एरियाज़ काफ़ी कम है। तो इसका जो कारण हो सकता है वो यही है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन रहती है उसकी जो इनकम है वो रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन रहती है उससे काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है जो कि अंडर नरिश होगी बाई 2030, जो कि इशूज़ बन रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसे लग रहा है कि जो आगे जाके जो बच्चे हैं काफ़ी अन नरिश्ड होने वाले हैं, कि इनकम लोगों की बढ़ नहीं रही है उस हिसाब से, जो फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस ये सब बढ़ रहे हैं। तो इसकी जो रिपोर्ट आई है 2016 में आई है, उसमें 48 कंट्रीज़ थी जो फूड क्राइसिस फेस कर रही थी। दैन 2017 में 51 कंट्रीज़, दैन 2018 में 53, जो कि लगातार नंबर ये 58 तक पहुँच गए 2022 में। और लगातार जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन, वो भी लगातार बढ़ रही है। और अगर हम 58 कंट्रीज़ में देखें कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से फूड इनसिक्योर है, द मल्टीपल ड्राइवर्स। तो फर्स्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी। कंट्रीज़ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ मोस्टली रहते हैं उनमें कूप्स वगैरह होते हैं, मीन्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है। उसकी वजह से क्या रहता है कि जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना पड़ता है। देन वेदर एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, मीन्स कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं, बहुत ड्रॉट आ रहे हैं। तो जैसे कि पाकिस्तान में बहुत बारिश हुई थी तो उसकी वजह से काफ़ी सारे फ्लड थे। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था काफ़ी ज़्यादातर क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फूड क्राइसिस फेस कर रहे थे। और इकोनॉमिक शॉक्स में यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इकॉनमी है कंट्रीज़ की वो स्लो डाउन हो गई। फिर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी रिसेशन में चल रही थी बहुत सारी कंट्रीज़, एक सप्लाई चेन डिस्टर्ब थी। इसमें जो 12 कंट्रीज़ हैं वो वेदर एक्सट्रीम की वजह से, जो हमारी 58 कंट्रीज़ हैं रिपोर्ट के हिसाब से, 19 कंट्रीज़ हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फूड क्राइसिस फेस कर रही हैं, 27 कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से फूड क्राइसिस फेस कर रही हैं। GRFC जो कि रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। 16 पार्टनर्स जो हैं वो मिलके इसे कंसेंसस बेस्ड असेसमेंट करते हैं, इसे एक दूसरे से बातचीत करके एक बिठा के अपना, जिससे ये चेक करते हैं कि कितनी फूड इनसिक्योरिटी है वर्ल्ड में। इसे पब्लिश करता है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के सपोर्ट से
जिससे ये ग्लोबल रीजनल कंट्री लेवल पे एक फूड इनसिक्योरिटी की जो स्टेटस है उसको चेक करते हैं। इसका जो डेटा है मेनली ऑब्टेन होता है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन से अकेडम हार्मोनाइज से, जो कि पॉपुलेशन का एस्टिमेट करता है जो कि फूड और न्यूट्रिशन की जिसको नीड है। अगर यहाँ से डेटा उन्हें नहीं मिलता है तो फिर वो जाके फेमाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से डेटा को लेते हैं। और स्पेसिफिकली एशिया के बारे में इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो हाई फूड और फर्टिलाइज़र फ्यूल प्राइसेस है और ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन के जो डिसरप्शन हो रहे हैं, ऑलरेडी जो कंट्रीज़ हैं एशियन वो काफ़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं तो इनमें रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, तो जो सोशो इकोनॉमिक डिमांड है उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक फूड इनसिक्योरिटी डेवलप होगी। और स्पेशल जो कवरेज दिया उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, जहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, इसमें बांग्लादेश के मोस्टली माइग्रेंट के इश्यूज हैं जो कि रोहिंग्या म्यांमार से ट्रांसफ़र होकर इधर आ रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का इशू चल रहा है और म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है और गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फूड क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो डेवलप हो रही है। वेदर एक्सट्रीम्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के फ्लड्स आप देख सकते हैं, कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिक्लोन्स आ रहे हैं जिसकी वजह से फूड का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है, बाकी सप्लाई चेन जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो रही है, जिससे कि काफ़ी क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज में। और जो क्राइसिस है, फूड क्राइसिस डेवलप होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनको इधर दूसरी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो इसमें जो 2022 का डेटा आया इस रिपोर्ट का, उसमें 72.8 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। उसमें 53.2 मिलियन जो है 25 फूड क्राइसिस कंट्रीज़ में है और 19.7 मिलियन जो रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर हैं 55 फूड क्राइसिस कंट्रीज़ में। तो मोस्टली क्या रहता है कि क्लाइमेट चेंज होता है और ड्रॉट कंडीशन या फ्लड कंडीशन होती है, इसकी वजह से लोगों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, तो इससे उन्हें अपना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जब 2022 का डेटा है उसमें लगभग 53.2 मिलियन पीपल ने इंटरनली डिस्प्लेस किया 25 कंट्रीज़ में, क्योंकि इस रिपोर्ट ने हमें बताया। बाकी जो यूक्रेन वॉर चल रहा था तो उसमें भी काफ़ी इश्यूज आए, क्योंकि जो यूक्रेन था वो वीट, मेज और सनफ्लावर ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, जो कि ट्रांसपोर्ट करता था, एक्सपोर्टर था कह सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता था। मोस्टली जो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ थी वो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, तो वहाँ पे जो है खाने की काफ़ी कमी हो गई, फिर इंडिया ने भी काफ़ी वीट वगैरह ट्रांसपोर्ट किया था इजिप्ट को स्पेशली, तो जिससे कि सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। फिर यूएन ने भी, यूएन और टर्की ने मीडिएट किया एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसके थ्रू फिर यूक्रेन की जो सप्लाई चेन्स थी उनको ठीक किया गया और जो जो भी प्रोड्यूस था उनका उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया। इसके जो जो भी इश्यूज हैं इनके सॉल्यूशंस में, पहला जो सॉल्यूशन है वो कि वल्नरेबल जो पॉपुलेशन ग्रुप है वहाँ पे वहाँ उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जिससे कि उनकी जो सिचुएशन है वो उन्हें इम्प्रूव किया जाए। तो आप इंडिया में महाराष्ट्र, जो ईस्टर्न महाराष्ट्र, उसमें ड्रॉट की प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल जो सेंट्रल इंडिया है उसमें, मध्य प्रदेश के अराउंड जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें काफ़ी ड्रॉट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रेडी होना जाना चाहिए कि चीज़ें हमारी रुके ना और जल्दी से जल्दी चलती रहें, और हमें साउंड न्यूट्रिशन प्रमोट करना होगा, जैसे कि जो वीक चिल्ड्रन जो है, मोस्टली जो वेमेन और चिल्ड्रन है उनको न्यूट्रिशन की कमी ना हो, तो गवर्नमेंट ने पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम सब इस कर रखा है स्टार्ट, जैसे कि इश्यूज नहीं होंगे। और हेल्दी फूड आउटलेट्स बनाए जाएँ, जैसे कि जो वीक चिल्ड्रन और वेमेन स्पेशली उनको हेल्दी डाइट प्रोवाइड की जाए, तो गवर्नमेंट ने ईट राइट इंडिया कैंपेन, फिटनेस फिट इंडिया कैंपेन ही चला रखे हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड सेल्स किए जाए, जैसे कि शॉप्स हैं वो फ्रेश फूड को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जो हेल्दी एक एटमोसफियर बिल्डअप होगा। स्ट्रीट फूड सेफ्टी क्वालिटी, अब स्ट्रीट फूड तो वैसे ही काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोग उसको खाते हैं, तो उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन है, क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक एड्रेस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी गैप्स वगैरह जो भी, जिससे कि न्यूट्रिशन सेफ्टी को बढ़ाया जा सके।
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि रोड्स वगैरह कनेक्ट करने चाहिए, तो जो भी फ्रेश प्रोड्यूस है वो जो रिमोट एरिया है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। एक स्मॉल फार्म एंटरप्राइज के बीच में एक लिंकेज बिल्डअप करना चाहिए, तो वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ये सब इम्प्रूव किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन सब जगह पहुँचाया जाए, जिससे कि कोल्ड स्टोरेज ईजीली ऑपरेट कर सकें, वाटर सप्लाई वगैरह सब जगह पहुँचाई जाए, जिससे कि जो फूड क्राइसिस की कंडीशन है वो डेवलप ना हो। और गवर्नमेंट को, स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट रहती है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में, क्योंकि वहाँ की जो लोकल कंडीशन है उनको अच्छी तरह समझ सकती है और उस पर जो स्कीम्स बन रही हैं उनको अच्छी तरह वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो हेल्दी डाइट्स का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले हमें करना होगा कि जो भी गैप्स हो रहे हैं कि फूड पहुँच नहीं पा रहा है या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सप्लाई में, उसको अर्लियर इंटरवेंशन करना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको जैसे पता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे, जैसे स्पेशली अगर हम इंडिया के केस में देखें तो महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र रीजन है, बिहार का रीज़न है जहाँ पे फ्लड्स रेगुलरली आते हैं, नॉर्थ ईस्ट का रीज़न है जहाँ पे फ्लड्स रेगुलरली आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको रेडी रहना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे फ्लड्स जैसे होता है मॉनसून के टाइम पे फ्लड्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, कि हाँ रेडी रहना चाहिए अपना जो भी उसके लिए देना है NDMA को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को, जो भी रिलीफ वहाँ प्रोवाइड करनी है उसको रेडी रखना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी जो है आराम से जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो जिससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब लोगों को ज़्यादा अपना घर बार छोड़ के, सब लोग छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो इंटरवेंशन होगी इस टाइम पे वो काफ़ी लोअर कॉस्ट होगी, बाद में जो जो कॉस्ट होगी बढ़ जाएगी, उनको फुली रिहेबिलिट करना होगा। अभी क्या आप थोड़े से जो गैप्स बन रहे हैं उनको ठीक कर दो, बाकी चीज़ें वो खुद कर लेंगे, ठीक है, एसेट और लाइवलीहुड ये सब रख लेंगे अपने हिसाब से, उन्हें मालूम है कि हाँ इस टाइम पे ये सिचुएशंस होती है तो हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। हमें अर्जेंट एक्शन लेना होगा कि जो हाउस होल्ड है उनको इमीडिएट वेलबींग मिले, एक सस्टेन कर सकें वो लोग अपने आप को इसी सिचुएशन, एक डिसास्टर होने के बाद अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी अपना चॉइसेस हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। इससे क्या हो कि जो आउटकम है, जो कि एकदम वर्स होने वाली कंडीशन है, उसको कम वर्स कर दिया जाए, लेस वर्स कर दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होने वाली है, क्योंकि हम उससे पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। तो इसके बाद ये आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एग्जामिन द वेरियस थ्रेट टू इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी एंड सजेस्ट मेजर्स इन ऑर्डर टू हैव सफिशिएंट प्रोडक्शन एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अमिडस्ट राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो रहेगा, हम इसमें थोड़ा सा डेटा दे सकते हैं, दो तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम इसको डेटा की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमने सिर्फ रिपोर्ट में देखा है कि हाँ फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कैसी है कंडीशन वर्ल्ड में, उसके थ्रू वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम फूड इनसिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो वर्ल्ड फूड समिट ने 1996 में दी थी। एक बार मैं बोल देती हूँ इस डेफिनेशन को, व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Means अगर जितने भी लोग हैं उनको हर टाइम पे एक फिजिकल इकोनॉमिक एक्सेस मिलता है कि वो अच्छा खाना खा सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तो हम उसे फूड सिक्योरिटी कहेंगे। तो ये आप रेफरेंस के पॉइंट पे दे सकते हैं कि वर्ल्ड फूड समिट 1996 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। तो आप इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा ये डेटा इस रिपोर्ट को रेफरेंस देके दे सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे कि थ्रेट्स क्या क्या है इंडिया की फूड सिक्योरिटी को, तो आपको सारे थ्रेट्स देना है। देखिए, फर्स्ट जो थ्रेट रहेगा ज्योग्राफिकल थ्रेट, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक थ्रेट, तो ये आपको पूरा देना है। तो इकोनॉमिक थ्रेट में तो आपका ये हो गया कि कोविड पेंडेमिक आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसे इश्यूज़ हो गए कि इकोनॉमी रिसेशन में जा गई, चली गई, तो इसकी वजह से जो है इनकम नहीं हो पाई लोगों की। तो जब इनकम नहीं होती तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो नहीं रहता है। लैंड का इशू इकोनॉमी में ये आप इशू डाल सकते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ, तो इस वजह से आपको फूड इनसिक्योरिटी हो गई। बाकी दूसरा थ्रेट अगर ज्योग्राफिकल देते हैं तो क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका फ्लड्स हो गए, ये डिज़ास्टर जो भी आ रहे हैं तो वो थ्रेट्स में आ गए। ज्योग्राफी तो थोड़ा बहुत ये भी जो हिली एरियाज है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता, तो वो फूड इनसिक्योरिटी के लिए वो ज़्यादा प्रोन होते हैं।
इस टाइप से आप उसके ज्योग्राफिकल रीजन, सोशल रीजंस में आप थोड़ा सोशल में कास्ट बेस्ड कर सकते हैं कि जो हाई कास्ट रहती है उनको ज़्यादातर चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है, जो लो कास्ट रहती है उनको इजीली प्रोवाइड नहीं होती है। इनकम इनइक्वालिटी भी डाल सकते हैं इसमें कि इनकम जो ज़्यादा रहती है उनको इजीली चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, जिनकी नहीं रहती है उनको कम रहती है। ठीक है, तो आप पॉलिटिकल रीजंस में आप डाल सकते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं तो जो वीकर सेक्शन है वो मोस्टली वो क्या रहता है, वो फिर वीकर ही रह जाता है, वो उतना ग्रो नहीं कर पाता, वो अपने जो डेली यूज़ की नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो उसमें ये रीजंस हो गए, तो आपके चार रीजंस हो गए, इसको आप डायग्राम के थ्रू या फिर नॉर्मल स्टेटमेंट्स के थ्रू आप रीजंस डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मेजर्स देखें तो मेजर्स आप इस रिपोर्ट में काफ़ी दिए हुए हैं, उनको यूज़ करके आप डाल सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में मोस्टली यूक्रेन वॉर जो रहता है, बाकी सप्लाई चेन डिसरप्शन जो रहता है, तो थोड़ा सा आप इन थोड़ा सा उसकी तीन चार लाइनें डाल दें और मेजर्स आप डाल देंगे, उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए जो भी समराइज टाइप का। और बाकी जो इस रिपोर्ट में भी दे रखा है कि 2023 में क्या प्रोजेक्ट हो सकती हैं, क्या क्या कहाँ तक इनसिक्योरिटी हो सकती है फूड की, तो आप उसको कंक्लूजन में थोड़ा सा पॉइंट देके, और आपको SDG गोल्स हम लोग को फुलफ़िल करना है तो हमको ये सॉल्यूशंस मस्ट यूज़ करने होंगे, जिसके बाद ही हम जो फूड इनसिक्योरिटी है पूरे वर्ल्ड में उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।